Hello class 7. Today we are going to start a new chapter from biology, that is obtaining and utilizing food. This is basically a chapter called nutrition. So first we will try to explain what is nutrition and define. All living beings need food, you all know. For doing some kind of activities that every organism perform the whole day and whole night. Organism need some energy, and this energy is to be get to the organism from outside the body. अब ये बात है कि जब outside the body से उसको energy मिलनी है तो outside the body में energy है कहाँ पर, है ना, किन चीज़ों में energy है, that will be known as the sources of energy. तो उन sources of energy को पता लगाना है या फिर उनको get करना है. ये जो प्रक्रिया है receive करने की, get करने की, obtain करने की, हासिल करने की, इसके लिए एक English में word use होता है, procure. ठीक है, तो ये procure करने की जो पूरी प्रक्रिया है इसी को nutrition कहते हैं. So the nutrition will be, इसको define करेंगे, the process by which an organism procure food. Procure food मतलब get food, obtain food, है ना, is called nutrition. Now every cell of the body needs energy. So food must be carried to each cell. अब है कि हर cell तक इसको पहुँचना है, वहाँ पर पहुँच करके होगा क्या, उनके अंदर, उन foods के अंदर जो energy stored है उसको बाहर निकालना है. तो उसको बाहर निकालने के लिए उस फूड एनर्जी को, उस फूड मॉलिक्यूल को तोड़ना होगा. फॉर दैट वी डू रेस्पिरेशन. तो पहले क्या होगा, तीन चार बातें हैं इसमें. पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, दैट इज़ न्यूट्रिशन. दूसरा, उसका हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करना, हर सेल तक वो फूड पहुँचेगा. उसके बाद पहुँचने के बाद वो सेल क्या करेगा, उसको तोड़ेगा. कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो टूटता है. तो ऑक्सीजन कैसे आएगा, तो उसके लिए वी हैव रेस्पिरेशन. और जब हम तोड़ेंगे, जाहिर सी बात है वो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो टूटेगा, तो उस केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, है ना. बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जब कुछ बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट ही बनाते हो, अब देखते हो कितना सारा कचरा उसमें निकल के आता है, टेप का सटा हुआ, कागज़ की कटिंग्स, है ना, ये सब जो एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पर बाय प्रोडक्ट निकल के आते हैं उनको हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल मानते हैं और उनको एक्सपेल आउट करते हैं बाहर, है ना, कचरे में फेंक देते हैं. तो उस तरह से हमारे बॉडी में जब ये तीनों प्रक्रिया चल रही थी, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन की, तो उसमें जितने बाय प्रोडक्ट्स आए हैं उनको हमको बाहर एक्सपेल आउट करना होता है थ्रू एक्सक्रीशन. तो ये चार प्रोसेस हैं, इसमें से आपको पढ़ना है अभी सिर्फ पहला प्रोसेस, दैट इज़ न्यूट्रिशन, दैट इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड. यानी फूड में जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो बाहर आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म पड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, है ना, दैट कैन बी एनी थिंग, साग सब्जी, मीट मच्छी, ये जो कुछ भी इंसान खाता है या जो भी ऑर्गेनिज्म खाते हैं. तो इसमें कितने प्रोसेस हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग प्रक्रिया से, अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेज आर देयर टू प्रोक्योर फूड. अब जैसे इंसान खाता है वैसे ही जानवर खाता है, ज़रूरी नहीं है, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रोक्योर करते हैं, ज़रूरी नहीं है. सो डिफरेंट प्रोसेसेस, अलग अलग जो प्रक्रियाएँ हैं, क्या बोलते हैं, टेकन अप बाई दी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोक्योर फूड. फूड लेने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग प्रक्रियाएँ यूज़ करती हैं, उन प्रक्रियाओं को हम लोग इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, प्लांट्स कौन से प्रोसेस को यूज़ करता है, ह्यूमन बीइंग कौन से प्रोसेस को यूज़ करता है, ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव न्यूट्रिशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब बच्चों मैं इसमें दो बातें आपको बताता हूँ.
एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है ऑटोट्रॉप्स। ये दो वर्ड आपने बहुत सुने होंगे और आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा या फिर आप सोचते होंगे दोनों एक ही चीज़ है ना, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। ऑटोट्रॉप्स जो है वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बात की कि अलग अलग प्रक्रिया से अलग अलग तरीके से वो लोग फूड लेते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स कौन हैं और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक मेथड है, और ऑटोट्रॉप्स क्या हैं वो ऑर्गेनिज्म है। तो ये दोनों वर्ड अलग है और इन दोनों की मीनिंग भी अलग है, यूज़ कई बार एक साथ हो जाते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक आर द टू डिफरेंट मेथड्स टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स की बात किया है कि ये अपना खुद खाना बनाता है सिंपल रॉ मटेरियल से, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो क्या केवल यही ऑटोट्रॉप्स हैं क्या ग्रीन प्लांट्स, और दूसरे नहीं हैं क्या? बिल्कुल हैं। अब आप कई बार डेफिनेशन में आप देखिएगा, लोग से जब पूछा जाता है या बच्चों से कोई भी आपसे पूछ देता है, कोई भी टीचर या कोई गार्जियन या कोई भी बड़े आपके पूछते हैं कि बेटे बताइए आप क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, टेल मी व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर न्यूट्रिशन सर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो बड़े खुश होते हैं, हाँ बहुत अच्छा बताया आपने। बट आज आप जान लीजिए कि ये डेफिनेशन बिल्कुल बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपने कहा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि अगर हम ग्रीन प्लांट्स तक ही इसको कन्फाइन कर दें तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो इसी प्रोसेस से खाना बनाते हैं, और बहुत सारे हैं। तो हमारा डेफिनेशन सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को लेकर के है, इसका मतलब हमारा डेफिनेशन जो है वो नैरो डेफिनेशन है, ठीक है, एक्सटेंसिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है। यानी हमने अपने डेफिनेशन में उन ऑर्गेनिज्म को ऐड नहीं किया जो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे एल्गी हैं, है ना, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बीजी ब्लू ग्रीन एल्गी उसको बोलते हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत सारे इस तरह से ऑर्गेनिज्म हैं, आप सीनियर क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट से लेकर के है। तो ग्रीन प्लांट्स को लेकर के अगर हम डिफाइन करते हैं तो गलत डेफिनेशन है, बिकॉज इट इज़ नॉट कन्फाइंड ओनली टू ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विच ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड ऑफ देयर ओन, खुद से खाना बनाते हैं। तो ये तो हुई एक कॉन्सेप्ट की बात कि ग्रीन प्लांट्स एग्जाम्पल ज़रूर है, लेकिन केवल ग्रीन प्लांट्स ही नहीं है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। सो माई डेफिनेशन आर डेफिनेशन शुड इंक्लूड ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई यूजिंग सिंपल कंपाउंड्स या केमिकल मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब जो ऑर्गेनिज्म जो मैंने अभी इस डेफिनेशन में नाम लिया, जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करेगा वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ कहलाएगा, भले वो एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स होगा वो एक अलग बात है। दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाए, है ना, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉप्स जो हैं जिन्होंने अपना खाना खुद बनाया उन पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। यानी उसकी डेफिनेशन हम लोग जब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे अगले सेक्शन में कल, तब उसमें हम इसको बताएंगे। तो आज हम लोग चलते हैं
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। देखिए यहाँ भी इसने क्या किया है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट किया, चूँकि प्रोमिनेंटली इस प्रोसेस को ग्रीन प्लांट्स यूज़ करता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल ग्रीन प्लांट्स ही ये करता है, और भी ऑर्गेनिज्म है। खैर देखिए क्या कहता है बुक हमारा, ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट एंड कैरी टू द लीव्स बाय पाइपलाइंस रनिंग थ्रू द रूट एंड स्टेम। ये भी हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में आगे, जब उनको पता चलेगा कि भाई ये पानी जो है रूट से होकर के ऊपर कैसे पहुंचता है स्टेम के जरिए, सॉरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू पढ़ेंगे, उसके जरिए वो पहुंचता है ऊपर। लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है एयर एक्सचेंज होते हैं, उनका नाम स्टोमेटा होता है, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 8 में। लीव्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज दैट इज शुगर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड बाई द क्लोरोफिल फ्रॉम द सन, दिस प्रोसेस बाई विच दे डू सो। अब देखिए सारे काम को कह के और एक लास्ट लाइन में करता है कि द प्रोसेस बाई विच दे डू सो इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब बच्चे क्या करते हैं, जिनको ज़्यादा डिटेल पता नहीं होता वो यही लाइन उतार के ले आते हैं, अगर क्वेश्चन होता है वाटर फोटोसिंथेसिस तो ले आते हैं लिख करके द प्रोसेस बाई विच दे डू सो। अब इनको यही पता नहीं होता दे डू सो का मतलब पीछे बहुत सारी बातें हो गई है ना, तो पीछे जो बातें हो गई उनके बारे में वो कह रहा है कि प्रोसेस जिनके द्वारा ये सारे काम होते हैं उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी जो ऑर्गेनिज्म होगा, अगेन फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, और जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते होंगे वो क्या कहलाएंगे, फोटोट्रॉप्स, याद आया है ना। तो जब फोटोट्रॉप को अगर हमको डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑल दैट इज नोन एज फोटोट्रॉप्स। फिर प्रोसेस को डिफाइन करना होगा तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये अलग अलग डेफिनेशन होगा फोटोट्रॉप्स का अलग, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अलग, ऑटोट्रॉप्स का अलग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अलग। समझ आ रही है बात। चलिए अब देखिए कह रहा, सम स्टेम्स लाइक दोज ऑफ कैक्टाई आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड बाई फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ये कैक्टस है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ फार्मूला, आई मीन केमिकल रिएक्शन, दैट इज 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे प्लस 6 वाटर होंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 6CO2 प्लस 6H2O, एरो के ऊपर लिखेंगे सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल। मीन्स दीज आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वी गेट द ग्लूकोज विच फॉर्मूला इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन दैट इज 6O2। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज इन टू द एटमोसफेयर। अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है यही स्टोमेटा के जरिए, ऊपर देखिए लिखा है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा एक पोर होता है लीव्स के अंदर, उसके थ्रू ये क्या होता है ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। यही वो कारण है जिसके कारण हमें कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए, है ना। ग्रीन प्लांट जितने लगेंगे एटमोसफेयर में उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, और हमारे जो इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन है तो ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ेगी तो वो क्लीनअप होते चले जाएंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हम लगाएंगे तो प्लांट क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करके हमको वापस ऑक्सीजन दे देंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ करेगा तो पोल्यूशन कम हो जाएगा ना, है ना। सम ऑफ इट इज़ यूज टू रिलीज एनर्जी एंड द रेस्ट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। तो ये जो ग्लूकोज यूज हमारे उसमें फॉर्म होता है, तो ये ग्लूकोज कुछ जो है स्टोर हो जाते हैं और कुछ स्टार के फॉर्म में रहते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज कर देते हैं। जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें ये एनर्जी रिलीज होता है। अब आपके नेक्स्ट पेज पर आता है, ग्रीन प्लांट्स आर नॉट ओनली द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए ये वर्ड मैंने आपको ये बातें पहले ही बता दिया है कि ग्रीन प्लांट्स केवल वही ऑर्गेनिज्म नहीं है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। अल्गी है, सर्टेन बैक्टीरिया है, दे कैन ऑल्सो फोटोसिंथेसाइज, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अब आप बताइए, जब आप डिफाइन कर रहे थे
फोटोसिंथेसिस को या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, तो उस समय आपने ग्रीन प्लांट का नाम लिया और कहा कि भाई जिस प्रोसेस से ये करते हैं वही ऑटोट्रॉप है और वही फोटोसिंथेसिस है। तो हमने अल्गी को छोड़ दिया ना, हमने बैक्टीरिया को छोड़ दिया ना, इसका मतलब हमारा डेफिनेशन गलत हो रहा था। हमें किसी और उसका नाम नहीं लेना है, हमने क्या यूज़ करना है डेफिनेशन में, ऑर्गेनिज्म, ताकि वो कोई भी हो भाई, इंसान मान लो हेटरोट्रॉपिक है, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ऐसा कह रहा हूँ कि कोई इंसान है जो बना बनाया खाना वाना नहीं खाता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, सन की रोशनी लेता है, इन्वायरमेंट से एयर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर पानी लेता है और वो खुद खाना बना लेता है अपनी बॉडी में और फिर वो उसका न्यूट्रिशन हो जाता है। अब आप बताइए कि वो ऑटोट्रॉप होंगे कि नहीं होंगे। तो हमने ह्यूमन बीइंग का तो नाम लिया नहीं। दूसरे अल्गी आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप पढ़ चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं क्लास 8 में ही, अल्गी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये आपने देखा होगा फ्लोटिंग पॉन्ड्स के ऊपर ये फ्लोट कर रहे होते हैं, पॉन्ड्स के अंदर स्टैग्नेंट ड्रेन जो गंदे नाले होते हैं उसके ऊपर होते हैं, है ना, इन सब में ये रहते हैं। और आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट पे जाइए, आप जो एनसीईआरटी बुक्स है क्लास 7 की वो देखिए, उसमें भी आपको मिलेगा बहुत सारा चीज़। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ और आपको आज ओरल देता हूँ पढ़ने के लिए कि आप लर्न करेंगे न्यूट्रिशन को, ट्रांसपोर्टेशन को, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, है ना, उसके बाद स्टोमेटा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, इन सब को लर्न करेंगे। और पिछले चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर आपने किए हैं वो क्या नाम है, पिछला चैप्टर क्या था, टाइम मोशन एंड स्पीड, है ना, तो उसके जो क्वेश्चन आंसर थे 20 वर्ड्स वो पूरा आप लर्न करेंगे बना करके। कुछ बच्चों ने आज भेजा था, चेक किया मैंने। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।